एसिड का एग्जांपल, सिट्रिक एसिड का एग्जांपल हम ले लें, ठीक है। तो उसमें हमने ये देखा कि जो सिट्रिक एसिड है वो पहले मतलब सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है ये सिट्रिक एसिड। तो उसके ओरिजिन मतलब सोर्स क्या है, ये कहाँ से मिलता है, इसके बेसिस पे हमने ये देखा कि सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने इसका नाम सिट्रिक एसिड रख दिया, ठीक है। तो जो ट्रिवियल जी नेम है, इसको हम कॉमन नेम भी बोलते हैं, वो जो हमारा सोर्स मतलब कि ओरिजिन क्या है उसका, ठीक है, या प्रॉपर्टीज, कोई सर्टेन प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे जो नेमिंग करते हैं वो ट्रिवियल सिस्टम के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये आप इतना ध्यान रखिए कि ये कोई ऐसी कोई मतलब इसके लिए कोई फॉर्मल रूल नहीं है, ठीक है, ये मतलब ऐसे ही है ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि हम फॉर्मिक एसिड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर्मिक एसिड जो है वो पहले जैसे एंट्स जो होती थी उससे मिलता था, उसके उसको डिस्टिलेशन उसको करने से मिलता था। तो जो लैटिन वर्ड है एंट, एंट्स का जो लैटिन वर्ड है वो फॉर्मिका है, ठीक है। तो फॉर्मिका की मतलब फॉर्मिका नाम से फॉर्मिक एसिड पड़ गया उसका नाम, ठीक है। तो इस पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, ये ऐसे ही आपको हम नॉलेज के लिए बता दिया। जैसे इसको आप देख सकते, या हम ये भी कह सकते हैं जैसे कोई आईपीसी नेम में, जैसे सिट्रिक एसिड का ही एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन दिख रहा है, हाँ। जी, तो ये सिट्रिक एसिड का एग्जांपल, जैसे इसका आईपीसी नेम हम अगर करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब नेम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतना लेंदी नाम ना लेके हम ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम यूज करते हैं, तो इसको हम ये नेम ना यूज करके हम सिट्रिक एसिड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि इसका कॉमन नेम है, जैसे यहाँ पे CH4 है तो मीथेन है, यहाँ पे 4 कार्बन का ये चेन है, इसको हम एनब्यूटेन कहेंगे। इसी टाइप से ये आप टेबल आपको मैं दे दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। जैसे C6H6 है, इसको बेंजीन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। C6H5OCH3, इसको एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आईपीएसी में इसको बोले तो मिथॉक्सी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो एनिसोल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको ट्रिवियल समझ में आ गया। एफ में मैथ आ गया। अब ये जो जहाँ पे निकलते हैं उसके अनुसार इनका नाम रखा जाता है। जी हाँ जो ओरिजिन्स होते हैं उसके सोर्स क्या है, ठीक है, या फिर कोई हाँ सोर्स सर्टेन के। जी प्रॉपर्टीज हो, जैसे कि आप एल्कोहल का ले, जैसे मिथाइल एल्कोहल है, उसमें जो मिथाइल एल्कोहल है उसकी प्रॉपर्टीज है मतलब कि वो स्प्रिट की तरह काम करता है, ठीक है। तो उसको हम उसका कॉमन जो नेम होता है वो वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हो या उसके सोर्सेस क्या है, उसके ओरिजिन्स क्या है, उसके बेसिस पे हम इसके नाम रखते हैं, वो ट्रिवियल सिस्टम में आते हैं। इसी को हम कॉमन नेम भी बोलते हैं, इतना भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड जो हमारा नेमिंग सिस्टम है वो है, एक मिनट, सेकेंड जो नेमिंग सिस्टम है वो हमारा है डिराइव, डिराइव नेम, ठीक है, डिराइव नेम। तो जैसे कुछ कॉमन नेम से कुछ नेम डिराइव किए गए, जैसे कि एग्जांपल ले ले हम यहाँ पे, ये क्या है, मिथेनॉल है, ठीक है, CH3OH हमारा मिथेनॉल है, लेकिन ये जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम से हम इसको डिराइव किए हैं, तो इसको हम कार्बिनॉल बोलते हैं, कार्बिनॉल, इसका जो डिराइव नेम है वो कार्बिनॉल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसी में हम एक मिथाइल ग्रुप हम ऐड कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनॉल, जैसे कार्बिनॉल। ये, हाँ, ये जो ग्रुप हो गया इसका नाम हो गया कार्बिनॉल, ठीक है। तो इसमें हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए तो यहाँ पे मिथाइल कार्बिनॉल हो गया, ठीक है। अगर हम दो मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कार्बिनॉल, डाइमिथाइल कार्बिन। ठीक है। चलिए अब हमें जो पढ़ना है, हमें वो थर्ड सिस्टमैटिक नेम, जिसको हम आईपीएसी सिस्टम में बोलते हैं, हमें मिलने इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारा आईपीएसी नोमेनक्लेचर है वो मतलब नेमिंग का मेथड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका नेमिंग करने का ये मेथड है, जिसमें जो कि ये किससे रिकमेंड किया गया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक मतलब इंटरनेशनल बॉडी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डील करता है, उसके थ्रू इसका नाम आईपीएसी पड़ा, ठीक है। जो सिस्टमैटिक आईपीएसी सिस्टम है उसका नाम आईपीएसी इसीलिए पड़ा।
तो ये क्या है कि ये मतलब आपका एक फॉर्मल रूल इसमें फॉलो होता है, मतलब इसको हम एक रूल के अकॉर्डिंग मतलब इसका नेमिंग करते हैं। हम कोई ऐसे सोर्सेज या कोई प्रॉपर्टीज वगैरह देख के हम इसका नाम नहीं रख सकते, इसका एक रूल होता है कि हम जैसे मैं आपको बोल दूँ, कोई स्ट्रक्चर आपको मैं दे दूँ और मैं बोलूँ कि इसका आप IPSC नेम मुझे बताइए, तो वो आप ऐसे ही कुछ जिगजैग में या कोई कुछ रैंडम आप नहीं लिख देंगे, ठीक है। उसका एक रूल होगा, वो आप रूल को फॉलो करेंगे, उसके बाद आप उसको नाम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मतलब तो IPSC नेम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि आपको कोई स्ट्रक्चर दे दिया हमने, ठीक है, मैंने बोला कि आप इसका IPSC नेम लिखो, तो आप ये भी ध्यान रखना है कि एक स्ट्रक्चर के एक ही IPSC नेम होते हैं, ठीक है। कोई एक स्ट्रक्चर है जैसे कि मतलब कोई भी स्ट्रक्चर आप ले लो, तो उसका IPSC नेम दो या तीन नहीं हो सकता, उसका IPSC नेम एक ही होता है, ठीक है। और ये सिस्टमैटिक नेम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका एक मतलब सिस्टमैटिक रूल जो है वो फॉलो करता है, तो इसलिए इसको हम सिस्टमैटिक नेम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल्स ऐसे ही दे दिए हैं, आप देख सकते हो, जैसे कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि अनब्रांच्ड होते हैं, उसके कुछ मॉलिकुलर फॉर्मूला जैसे ये दिया गया है, आपको दे दिया जाएगा कि मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है, जैसे CH4 है, C2H6 है, ये मतलब तो आपको उसका जो नेम है IPSC नेम क्या होगा, ये मतलब आप छोटे छोटे इसको आप कॉमन मतलब आप याद कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि ये बेसिक है, इसको आप याद रखोगे तो आपको मतलब इजिली आपको नेमिंग वेमिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे हम नेमिंग करेंगे, मतलब कोई भी हमें IPSC सिस्टम, हमें मतलब उसका IPSC सिस्टम का नेमिंग हमें सीखना है, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है उसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, उसमें रूल्स क्या क्या है, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जैसे कोई भी IPSC सिस्टम हो, ठीक है, IPSC नेमिंग करनी है, तो उसके लिए आपको जो 5 things है, 5 things आपको वहां पे रिक्वायर्ड होंगे, 5 things आपको ये माइंड में रख लेना है कि 5 चीजें हमें जरूरी है वहां पे IPSC नेमिंग करने के लिए, ठीक है। ये 5 चीज यहाँ पे हमने दिए हैं टेबल के फॉर्म में, यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स सेकेंड, प्रीफिक्स फर्स्ट, वर्ड रूट, सफिक्स वन एंड सफिक्स टू, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसी पे आपका जो भी आपका नेमिंग है वो इसी के बेसिस पे है, आप इसको समझ जाओगे तो फिर आप नेमिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर का नेमिंग करते हैं, ठीक है, उसका हम नाम देते हैं, IPSC नेम देते हैं, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स सेकेंड, ठीक है, प्रीफिक्स सेकेंड आता है, तो उसको हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंड को हम लिखते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स सेकेंड क्या, उसमें प्रीफिक्स सेकेंड होता क्या है पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स सेकेंड जो होता है, जैसे उसमें अगर हमें कहीं भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रिक ऑक्साइड दिख जाए, आर ग्रुप दिख जाए, OR ग्रुप दिख जाए, ठीक है, या फिनाइल ग्रुप दिख जाए, कोई भी ऐसा ग्रुप, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये मतलब कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा माइंड में, ठीक है, कि ऐसी कोई ग्रुप आपको दिख जाए, ठीक है, तो वो क्या है, प्रीफिक्स सेकेंड है, ठीक है। और इसका जो नेमिंग होगा वो नेमिंग में सबसे पहले इसका इसको लिखा जाएगा, जैसे कोई भी नाम है, मान लो कि हमने आपको जैसे मिथेन ही दे दिया, ठीक है। अब हम आपसे पूछे कि मिथेन में आप प्रीफिक्स बताओ, तो आप कहोगे कि मैम इसमें तो प्रीफिक्स है ही नहीं, क्योंकि हमने प्रीफिक्स में क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, अगर मान लो उस कंपाउंड में अगर ये प्रेजेंट होता है तब, अगर नहीं प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, अगर प्रेजेंट हो तो फिर आप सबसे पहले इसका नाम लिखोगे, ठीक है। ठीक मैम। ओके, अब उसके बाद हम पढ़े, देखो यहाँ पे जो प्रीफिक्स सेकंड है इसका नाम तो हम पहले लिखते हैं, लेकिन जो इसकी प्रायोरिटी है, जो जो इसकी प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंस है, वो बहुत लीस्ट है ग्रुप में, ये हम आपको आगे समझाएंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले बस इतना ध्यान रखो कि इसका नेमिंग हम सबसे पहले करेंगे, अगर कहीं भी आपको ये ग्रुप दिख जाएगा तो इसका नेमिंग हम पहले करेंगे, लिखेंगे, प्रायोरिटी बाद में जाएगी। अगर आपसे हम कहें कि मान लो, चलो हम इसको बाद में समझाते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रीफिक्स फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स सेकंड तो हो गया, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, फिर प्रीफिक्स फर्स्ट लिखेंगे। प्रीफिक्स फर्स्ट जो क्या करता है कि ये हमारा जो कंपाउंड है, कंपाउंड कोई भी कंपाउंड आपको हम दे दिए, ठीक है, तो उसका हमने बोला कि आप इसको कैसे पहचानोगे, मतलब इसका शेप क्या है, वो शेप को मतलब प्रेजेंट करता है कि इसका शेप क्या है, साइक्लो फॉर्म में है, बाई साइक्लो, यहाँ पे थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बाई साइक्लो होगा, ठीक है,
साइक्लो है या बाईसाइक्लो है या स्पाइरो है, ठीक है। तो जो प्रीफिक्स फर्स्ट होता है वो किसी भी कंपाउंड के शेप को प्रेजेंट करता है, उसका शेप क्या है, ठीक है। तो अगर आपको हमने प्रीफिक्स सेकंड सबसे पहले, फिर प्रीफिक्स फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद आता है वर्ड रूट। अब देखो वर्ड रूट जो होता है वो हमारा मेन जो कार्बन चेन होते हैं उसका जो भी कार्बन चेन, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, आपको यहाँ पे दिखा दें, जैसे हमने ये ले लिया, जैसे ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ये कार्बन चेन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन चेन है। तो हम आपको आगे बताएंगे कि सबसे लंबा कार्बन चेन हम पहले सिलेक्ट करते हैं। तो जो भी हमने लंबा चेन सिलेक्ट किया है, ठीक है, लंबा चेन हमने जो भी सिलेक्ट किया है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब इसको हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं, तो वो उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ये जो रूट वर्ड है वो यही बताता है। तो आते हैं यहाँ पे, तो जो ये रूट वर्ड रूट बोलते हैं या रूट वर्ड भी बोलते हैं इसको, तो ये जो है वो नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके चेन में, जैसे मैंने बोल दिया आपको कि दो कार्बन का, मैंने ऐसे ही आपको दे दिया कि आप बताओ कि मैंने आपको तीन कार्बन का, मतलब C3H6 मैंने दे दिया आपको, ठीक है, मैंने बोला कि इसमें रूट वर्ड कितने हैं या वर्ड रूट कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? देखिए वर्ड रूट जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, मतलब अगर जो भी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन आगे आपको समझ में आ जाएगा होता क्या है, जो भी पेरेंट चेन है, जो भी आप लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट किया है नंबरिंग के लिए, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने नंबर, जैसे मान लो आपको मैंने प्रोपेन दिया, तो प्रोपेन में हमने ये देखा कि प्रोपेन में तीन कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, हाँ, तो जो उसका वर्ड रूट होगा वो हम अगर आपसे पूछेंगे कि वर्ड रूट क्या है, तो आप बोलोगे कि प्रोप है। अब जैसे एक कार्बन प्रेजेंट हो, CH4 मैंने आपको दे दिया और मैंने पूछा कि वर्ड रूट क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन पर आपको बताना है, तो वहां पे मीथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने दो कार्बन, तो वहां पे इथ हो जाएगा, ऐसे ही आपको प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ठीक है, ऐसे होता जाएगा। तो आपने वर्ड रूट समझ लिया? जी मैम, ठीक है। तो इसके बाद आता है सफिक्स, सफिक्स फर्स्ट। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे प्रीफिक्स सेकंड आता है, देन प्रीफिक्स फर्स्ट आता है, ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट आता है, फिर सफिक्स वन आता है। तो यहाँ पे सफिक्स वन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो सफिक्स वन होता है वो हमारा कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है, कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है वो बताता है। मतलब कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने बोल दिया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, हमने आपको दे दिया कि मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसमें सफिक्स आप बताओ, ऐसे मैंने आपको पूछ दिया क्वेश्चन कि आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मैंने आपको दिया, उसमें सफिक्स बताओ, तो आप सफिक्स में ये बोलोगे कि मैम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स में वहां पे एन हो जाएगा, ठीक है, एन, जैसे कि हमने दिया ये वर्ड, मतलब CH4 आपको दे दिया, ठीक है, CH4 मैंने दे दिया, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ओके, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों तरफ से हाइड्रोजन 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 एड, मतलब उसमें बॉन्डिंग है उसकी, ठीक है, हाइड्रोजन से, तो उसकी जो मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और कार्बन की उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है मीथेन में, तो आप वर्ड रूट वहां पे मिथ लिख दिए, ठीक है, और सफिक्स में आपने देखा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो आपने क्या लिख दिया, एन लिख दिया, तो जैसे तो मीथेन हो गया, तो जो एन होता है वो सफिक्स होता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही हम देखें कि अगर वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वहां पे हम इन लिखेंगे, इन सफिक्स हो जाएगा, ठीक है, मीथेन। उसके बाद अगर हाँ ट्रिपल होगा तो, ट्रिपल होगा तो आइन, ठीक है। अब इसका हमने एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे सफिक्स टू है, सफिक्स टू जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, जब मैंने आपको यहाँ पे पीछे मैंने छोड़ा था, बोला था कि ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, प्रीफिक्स जो सेकंड होता है, और जो सफिक्स सेकंड होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।
ये क्या होता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि COOH ग्रुप है, SO3 मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, जो भी मतलब ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो इसको शो करता है मतलब कंपाउंड्स में. तो यहाँ पे हम सफिक्स इसको हम सबसे बाद में लिखते हैं. ये आपका लिखने का सीरीज है, जो भी हमने ये बताया ये लिखने का सीरीज है. अगर आपको, क्योंकि आप नेमिंग सीख रहे हो, तो आपको नेम कैसे लिखना है आप सबसे पहले तो ये समझो. तो नेमिंग का ये सीरीज है, ठीक है. तो ये फंक्शनल ग्रुप को प्रेजेंट करना है जो भी. अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया, इसका अलग से पढ़ाना है मुझे, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो. देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, ये आपका जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि COOH यहाँ पे दिया है, इससे स्ट्रक्चर दिख रहा है. मैम दिख रहा है। हाँ, तो इसकी इसकी जो सफिक्स होगी, अभी हम सफिक्स की बात कर रहे हैं, तो सफिक्स जो होगी वो यहाँ पे ओइक एसिड होगी. ये भी आपको याद ही रखनी है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सफिक्स सेकेंड है, जो सबसे लास्ट में नेमिंग अगर करेंगे तो लिखा जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है. तो इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होगा. तो अगर हम आपको तीन कार्बन का वो दे दें, तीन कार्बन का मतलब चेन दे दें, ठीक है, और वहां पे हमने बोला कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐड करनी है, तो उसका क्या लिखोगे आप नेमिंग? एक तो प्रोपेन हो क्या जाएगा, उसके बाद आप लास्ट में इसको ऐड कर दोगे, क्योंकि सफिक्स को हम लास्ट में लिखते हैं, तो ये लिखेंगे हम ओइक एसिड. समझ में आ रहा है? प्रोपेन जी लिखोगे मैम और उसमें आप ओइक एसिड लगा दोगे. ये आपको याद करनी पड़ेगी कि जो COOH ग्रुप होता है उसके लिए सफिक्स क्या होता है. तो यहाँ पे ओइक एसिड, जैसे एस्टर प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या होता है, ओएट होता है, एल्डिहाइड है तो अल होता है. तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है. ज्यादा ओके मैम फास्ट तो क्या नहीं तो हो रहा है? हेलो, नहीं 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 मैम नहीं हो रहा। ठीक. तो जैसे एल्डिहाइड है तो यहाँ पे अल हो जाएगा, ठीक है. कीटोन है तो ओन हो जाएगा. एल्कोहल है तो यहाँ पे ओल हो जाएगा. मतलब ये आपको याद करनी पड़ेगी कि अगर ये हमारे कंपाउंड है उसमें हमें नेमिंग के लिए आपको दे दिए, और ये अगर जी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका हम नाम कैसे जी लिखेंगे. तो यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेगी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो यहाँ पे ओइक एसिड लिखेंगे, अगर एस्टर जी प्रेजेंट मैम होगा तो यहाँ पे ये लिखेंगे, एल्डिहाइड होगा तो ये लिखेंगे, ठीक है. जी तो आपको समझ में आ गया ना? अब हम जी प्रायोरिटी की बात मैम कर रहे थे उस टाइम, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं. जैसे प्रायोरिटी की मैंने बात किया था, ठीक है. अब जैसे प्रायोरिटी में क्या होता है कि आप लिखने का तो सीरीज ये है आपका, प्रीफिक्स सेकेंड है, जी फिर फर्स्ट है, फिर वर्ड रूट है, फिर सफिक्स वन है, फिर सफिक्स टू है, ठीक है. लेकिन अगर जी हम मैम प्रायोरिटी की बात करें, अगर मान लो किसी कंपाउंड में फ्लोरीन भी प्रेजेंट हो और ये भी प्रेजेंट हो, COOH भी प्रेजेंट हो, ठीक है, जी तो हम ये जी देखेंगे कि मतलब इसका हमें लिखने का तो पता चल गया, आइडिया लग गया कि हमें इसका सबसे नाम पहले लिखेंगे, कुछ भी हो जाए हम इसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है. जी लिखने का तो पता चल गया, बट नंबरिंग का हमें नहीं पता कि हम कैसे नंबरिंग करेंगे, क्योंकि नंबरिंग हमें करनी है, तब तो हम कोई नाम लिख पाएंगे ना. तो उसके लिए जी प्रायोरिटी जो होता है वो सबसे टॉप पे इसको दी जाती है, आप इतना ध्यान रखना है. लिखा जाता है लास्ट में, लेकिन जो इसकी प्रायोरिटी होती है, अगर कहीं पे भी आप इसको देख लीजिए, तो इसकी जो जी प्रायोरिटी होती है नंबरिंग के लिए. अब मान लो कि जी CH2 CH2 मैंने आपको दे दिया, और एक साइड में हमने फ्लोरीन लगा दिया, एक साइड में हमने COOH लगा दिया. मैंने आपको बोला जी कि आप नंबरिंग करो, आप इसकी नंबरिंग जी करके बताओ. तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? फ्लोरीन की तरफ से आप नहीं करोगे, आप COOH की तरफ से करोगे. मीथेन आया समझ में? हाँ मैम आया ठीक है, आप एग्जाम्पल आगे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. तो ये जी आगे आगे बढ़े. हेलो, हाँ मैम आगे आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम चलिए आप एग्जाम्पल में समझ जाएंगे. मैंने इसी को थोड़ा सा लिख के यहाँ पे दे दिया है, ठीक है. जो रूट वर्ड होते हैं वो बेसिक जो हमारा कंटिन्यूअस चेन होता है कार्बन का, उसका मतलब ये यूनिट होते हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वही मतलब बेसिक रूट रूट यही होते हैं, ठीक है. उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, जो हमने बात किया था कि प्राइमरी जो सफिक्स होते हैं वो जो हमारा नंबर बॉन्डिंग के पैटर्न को, जैसे क्या है कि सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, ठीक है. अगर जी सैचुरेशन है तो एन यूज करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के थोड़ा बता दिया यहाँ पे, ठीक है, वही चीज है. जी
उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स की हमने बात किया अभी, जो सफिक्स टू है वो फंक्शनल ग्रुप हमारा था, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी, जैसे मान लो कि हमने आपको बताया ना कि प्रोपेनोइक एसिड का एग्जांपल आपको दिया था, तो प्रोपेन हमने लिखा था, तो प्रोपेन में हमने वहां पे कैसे आपको ऐड करना है ये ध्यान में रखना है कि जो सफिक्स होता है, जैसे ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड है, तो अगर हम, हमने आपको एग्जांपल दिया प्रोपेन का, तो प्रोपेन का जो लास्ट में ई आता है, ठीक है, वहां तक आप लिखोगे और उसके बाद आप सफिक्स ऐड कर दोगे उसमें, तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा रूल स्टार्ट होता है कि कैसे कैसे हम नंबरिंग वगैरह करेंगे, तो आपने पहले वो देख लिया, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कोई भी आपको कंपाउंड, जैसे ये जनरल हमने आपको पहले वाला जो था वो जनरल रूल था, वो सब पे मतलब फॉलो हर जगह आप जहां भी, लेकिन यहाँ पे हम जो बता रहे हैं वो एल्केन के लिए बता रहे हैं, स्पेशली एल्केन के लिए, ठीक है। तो जो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई है जिसमें कि, जो कि एल्केन है, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे फर्स्ट हमारे माइंड में जो चीज आनी चाहिए, वो सबसे फर्स्ट ये आनी चाहिए कि सबसे लंबा चेन कौन है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब कौन सा कार्बन चेन है जो लंबा है। अब जैसे यहाँ पे आप देखें, ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिए हैं, दो एग्जाम्पल है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये है, ठीक है, इसमें हमने यहाँ से नंबरिंग किया, ये एक मतलब 9 कार्बन का हो गया, ठीक है, ये भी वही है 9 कार्बन का ही है, यहाँ पे एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 9 कार्बन के ही है, ठीक है। बट हम कैसे सिलेक्ट करें नंबर, मतलब लॉन्गेस्ट चेन हम कैसे सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से हमने इसकी नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग यहाँ से क्यों किया हमने, बस माइंड में अभी ये रखना है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में कैसे हमने इधर से नंबरिंग किया, इधर से क्यों नहीं किया, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें लंबा चेन सिलेक्ट करने हैं, तो हम अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 8, मतलब कि 8 ही हो रहा है अगर ये हम इधर से ले तो या इधर से ले तो, ठीक है जी। तो यहाँ पे 8 कार्बन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 9 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है, तो हमें लंबा चेन सिलेक्ट करने हैं, हमें ये ध्यान रखने हैं। अगर हम इधर से कर लें, मान लो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 आ रहा है, बट यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट जो लगे हैं उसकी भी देखा जाता है, वो आपको बाद में समझना है। तो यहाँ पे हम सबसे लंबा चेन सिलेक्ट करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक मिनट, हमने यहाँ से नहीं किया, आपने ध्यान दिया होगा, हमने देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये भी मिथाइल ग्रुप यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा और 6 नंबर पे यहाँ पे ये प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा। अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं, यहाँ से अगर ऐसे चलते हैं हम इस टाइप से नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, एक प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा और एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। बट हम यहाँ से चले हैं क्योंकि यहाँ से चलने पे हमें 9 कार्बन के चेन मिल रहे हैं, तो हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करना है, ये देखेंगे। सेकेंड क्या है, सेकेंड में हम ये देखेंगे, हाँ मैम इसका नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, आप वही तो मैं सिखा रही हूँ आपको, पहले आप सीखो तो कि कैसे करते हैं, अच्छा पहले वो चीज सीखो फिर उसके बाद आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी आप क्वेश्चन कर सकते थे कि मैम जो ये है ये 9, यहाँ से भी 9 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इस साइड से मैंने किया यहाँ से तो भी 9 आ रहा है, आप बोल सकते थे, बोल सकते थे ना, चाहे इसमें भी बोल सकते थे मैम यहाँ पे भी तो 9 आ रहा है, बट हम ऐसे ही क्यों सिलेक्ट किए, यहाँ से तो चलो मतलब 8 आ रहा है, ये पता चल रहा है कि छोटा चेन है, बट यहाँ से तो 9 आ रहा है, बट आपने नहीं पूछा, तो मैं उसको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, मतलब इसमें हम कैसे सिलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन को, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन, और इधर से अगर हम चलेंगे तो इधर से भी 5, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है इसी का है, सेम है, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे भी चलेंगे तो 5 कार्बन आ रहा है, ऐसे भी चलेंगे तो 5 कार्बन आ रहा है। अब तो हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट चेन तो दोनों में सेम सेम आ रहा है, फिर हम कैसे सिलेक्ट करें, नंबरिंग कैसे करें, है ना जी, समझ में आ रहा है। हाँ मैम आ रहा है। हाँ तो यही सेम एग्जांपल है, मैंने बस नंबरिंग इसका मैंने अलग अलग आपको दिखाया है, देखिए आप सेम एग्जांपल है, ठीक है।
अब आप देखिए यहाँ से भी हम नंबरिंग करेंगे तो 5 आएगा, और इसमें हम यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे तो 5 आएगा, तो अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कौन सा कैसे हम सिलेक्ट करें, किसको हम नंबरिंग पहले करें, ठीक है, मतलब यहाँ से हम इधर चले या फिर इधर आए, कैसे चले, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट होता है इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हम इधर से चलते हैं तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर 4 नंबर पे प्रेजेंट है, और 3 पे भी यहाँ पे ये प्रेजेंट है, क्योंकि हम इसको चेन, पेरेंट चेन हम इसको मान लिए हैं लॉन्गेस्ट चेन, तो जो इसको हम 1 2 3 4 5 जो है इसको हमने लॉन्गेस्ट चेन मान लिया, तो ये कार्बन छूट गया हमारा, ठीक है, ये कार्बन भी छूट गया और ये कार्बन भी छूट गया, तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि मतलब, और यहाँ पे देखिए अगर इधर से हम चल रहे हैं तो यहाँ पे ये एक आ रहा है और ये 2 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, और यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। 3 कैसे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, एक 4 नंबर पे मिल रहा है और एक 3rd नंबर पे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 पे मिल रहा है और 3 पे मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पे 3 मिल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये रूल है कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे मैक्सिमम होंगे उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमें 3 मिला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पे है, ठीक है, 3 पे भी है, ये इथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे 4 पे भी मिथाइल ग्रुप हो गया, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें बस 2 ही मिल रहा है, मतलब 2 कार्बन पे मिल रहा है, 3 कार्बन पे मिल रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, समझ में आया। हाँ, ऊपर के एग्जाम्पल में आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर के एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से भी हमें 1 2 3 4 5 9 कार्बन मिले। इसमें भी हम अगर देखेंगे, यही सेम एग्जाम्पल है, तो इसमें हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमें 8 कार्बन मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर लिया था, बट यहाँ से अगर इस साइड से हम नंबरिंग कर रहे हैं, इस साइड से हम जो 9 है इसके तरफ हम 1 ले रहे हैं, तो यहाँ से हम नहीं करके हम इस साइड से किए हैं, क्यों किए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन मेरा फंस गया, आपको समझ में आ रहा है। हाँ मैं मारा है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करने आ गया, जी आ गया, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट करें, अब मान लो कि एक दोनों साइड से एक ही आ रहा है, मतलब एक ही नंबर आ रहे हैं, जैसे 5 इधर भी आ रहा है, 5 इधर भी आ रहा है, उसमें कैसे सिलेक्ट करें, तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, ये भी आपको आ गया, ज्यादा है मैक्सिमम तक सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, हाँ जितना ज्यादा होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे हम ये देख, अब देखिए अब आपका हमारा 3rd जो आया रूल कि हम किस साइड से नंबरिंग करें, जैसे हमने ऊपर में ये आपसे पूछा था, मैं वहां पे नहीं बताई थी क्योंकि मुझे बताना था, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया, हम इधर से भी तो कर सकते, इधर से भी तो करेंगे तो 9 ही आएगा, आप देख लीजिए 9 की जगह पे 1 रख के देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी तो 9 आ रहा है, बट हम लोग इधर से ना करके इधर से किए हैं, ऐसा क्यों है ना। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब हम किस साइड से नंबरिंग करें, किस साइड से नंबरिंग करें हम ये कैसे देखें, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा सब्स्टिट्यूट है, जो हमारा सब्स्टिट्यूट है वो किसी भी एंड से, मतलब इस साइड से या इस साइड से, जो सब्स्टिट्यूट पास पड़े, जो नियरेस्ट पड़े, ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम कर रहे हैं, यहाँ से अगर देखिए ये जो रेड वाला है इसको देखिए, अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 ये 4 पे आ रहा है, मतलब कि ये 4 पे आ रहा है, लेकिन अगर हम इस साइड से करें, यहाँ पे ब्लू वालों को देखिए, ब्लू वाले को देखिए, अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ तो यहाँ से 1 2 यहाँ पे 2 पास में आ जा रहा है, ठीक है, तो ये पास में आ गया तो इसलिए हम नंबरिंग ऐसे करेंगे, मतलब इस साइड से करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो आपको नंबरिंग कैसे करना है ये समझ में आ गया, किस साइड से करने हैं, कैसे करने हैं। उसके बाद आपको मान लो आइडेंटिकल चेन मिल गए, जैसे 5 कार्बन के भी मिल गए, 5 कार्बन के भी मिल गए, या मान लो 8 कार्बन के दो चेन मिल गए, ठीक है, उसको हम कैसे, किसको हम देखें, कैसे हम नंबरिंग उसका करें, मान लो इधर से भी 5 है, क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंड वाले एग्जाम्पल देख रहे हैं, इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, सेम मिल रहे हैं, हम कैसे करें, तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूट देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कितने हैं, ठीक है। और आपको सबसे पहले माइंड में रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने हैं, ये तो सबसे पहला आपका रूल है, लॉन्गेस्ट चेन किधर से आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि
इसमें जो है नंबरिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट व्हेन प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखना है हमें कि अगर मान लो कि हम सब्स्टिट्यूट जो है वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, मान लो कि इधर से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट हो रहे हैं, इधर से हम काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 इधर भी 3 पे प्रेजेंट हो रहे हैं, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये भी हमारा एक बड़ा वो है प्रॉब्लम है कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इसका जो यहाँ पे जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन का है, तो इसको इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना जी, इस तरह मिथाइल। और जो हाँ जो ये ग्रुप प्रेजेंट है वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आइडेंटिकल पोजीशन पे तो है, बट जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे वो अलग अलग है, मतलब डिफरेंट है, यहाँ पे मिथाइल है तो यहाँ पे इथाइल है, ठीक है। तो इसका हमें नंबरिंग जो करनी होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करते हैं, मतलब कि यहाँ पे इथाइल का ई और मिथाइल का एम देखेंगे, तो सबसे पहले कौन आएगा, ई आता है या एम आता है, आप ये बताइए। ई आता है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आइडेंटिकल पोजीशन पे तो है, इधर से नंबरिंग करे तो भी आइडेंटिकल है, इधर से नंबरिंग करे तो भी आइडेंटिकल है, लेकिन हमने देखा कि ग्रुप जो है वो अलग अलग है, तब हमने इथाइल को प्रीफर किया क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो करेंगे फिर वहां पे, तो हमने इथाइल लिया, यहाँ से नंबरिंग किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताएंगे पूरा नाम, पहले आप ये सब समझ लीजिए बेसिक चीजें, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। अब ये समझना है कि अगर जो आइडेंटिकल ग्रुप है, इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर प्रेजेंट देन द नंबर आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अब मान लीजिए कि जैसे हमने ये देखा कि यहाँ पे एक ही ग्रुप के 2 प्रेजेंट है, मतलब इधर से आइडेंटिकल वाला, यहाँ पे तो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट था, आइडेंटिकल पोजिशन पे था, यहाँ पे इधर से भी 3 इधर से भी 3, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप था वो अलग अलग था, तो इसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लिया। लेकिन अगर हमें सेम ग्रुप के मिल जाए और आइडेंटिकल पोजिशन पे भी हो, इधर से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये एग्जांपल देख रहे हैं आप, जी जी देख रहा हूं, तो इधर से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल पोजीशन भी है और आइडेंटिकल ग्रुप भी है, सेम ग्रुप है, मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, अब हम कैसे करेंगे इसके नंबर, मतलब कैसे नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो नाम लिखते हैं, ठीक है, जो नेमिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं कि जो मिथाइल है, तो यहाँ पे 2 मिथाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम किस पोजीशन पे है, अगर हम किसी इसको तो हम किसी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, हम इधर से भी कर सकते हैं क्योंकि सेम ग्रुप भी प्रेजेंट है, आइडेंटिकल पोजीशन पे भी प्रेजेंट है, हम इधर से करें या इधर से करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो पोजीशन है, किस पोजीशन पे ये प्रेजेंट है उसको हम ले लेंगे, मतलब 2 पे है, 4 पे है, इधर से भी हम करेंगे तो 2 पे आएगा, 4 पे ही आएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कॉमा से लिखेंगे, कॉमा से लिखेंगे, और सेम ग्रुप प्रेजेंट है, कितने ग्रुप प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, तो 2 है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, तो 2 है, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाई 3, अगर ऐसे ही मान लो 3 ग्रुप प्रेजेंट होता उसके लिए हम ट्राई यूज करते, 4 होता तो टेट्रा करते, 5 होता तो पेंटा करते, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि कॉमा से करते हैं, कॉमा, अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे नेमिंग देखिए, यहाँ पे 2 डाई मिथाइल पेंटेन है ना, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमा लिखना ही लिखना है क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप भी प्रेजेंट है और आइडेंटिकल पोजीशन भी प्रेजेंट है, तो 2 4 और 2 ग्रुप सेम है, तो इसके लिए हमने डाई यूज कर लिया, डाई लगा दिया, गया जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 ग्रुप प्रेजेंट है मिथाइल का, सेम सेम यहाँ पे 2 पे प्रेजेंट है, फिर 4 पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका नंबरिंग तो हम इसी साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप आ रहे हैं, तो इसका नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं कि अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे, तो सेम ग्रुप यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए, बोलना है तभी ट्राई ट्राई ट्राई, ठीक है, तो ट्राई यूज करेंगे। अब पोजीशन उसका लिख लेंगे, किस पे है, 2 पे है, 2 मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 2, ठीक है, और 1 मिथाइल ग्रुप 4 पे है, तो यहाँ पे 2 2 4, पहले पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद कितने ग्रुप है सेम, तो यहाँ पे ट्राई हमने लिख दिया, ट्राई मिथाइल, और कितने नंबर ऑफ रूट वर्ड इसका कितना है, 5 है, तो हमने कितना लिखा, 5 पेंटेन। ये पेंट जो है, देखिए यहाँ पे समझिए, जो पेंट है
वो क्या है आपका रूट वर्ड है, और जो एन है, एन क्या है मैंने बताया था, एन क्या है सफिक्स फर्स्ट है, सफिक्स एन है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से समझिए, जो पेंट है, पेंट जो है वो क्या है, पेंट जो है यहाँ पे, पेंट जो है रूट वर्ड रूट है, ठीक है, और एन जो है वो सफिक्स है, वो नंबर बॉन्डिंग को बताता है, किस टाइप की बॉन्डिंग है, सिंगल है डबल है, आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। चलिए कितने लोग प्रेजेंट है अभी, ये MX कौन है? MX कौन है बेटा? सबा शिफा हो क्या? हेलो, रवि कौन है? सबा शिफा है क्या? अंकित कौन है? सबा शिफा है, सबा शिफा है, हाँ सर। अच्छा ठीक, चलिए माइक ओपन। चार लोग हैं टोटल प्रेजेंट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि जो जैसे आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब डाई ट्राई जितने भी प्रेजेंट हो, ठीक है, ये समझ में आ गया मैम? और फोर अगर ये हैं तो टेट्रा लगाएंगे, टेट्रा। हाँ, फोर अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट हो फोर, तो किस किस पोजीशन पे है, पोजीशन पहले लिख लेंगे, उसके बाद वहाँ पे हम टेट्रा यूज करेंगे, और कौन से ग्रुप है, मान लो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो टेट्रा मिथाइल लिखेंगे, अगर इथाइल प्रेजेंट हो तो टेट्रा इथाइल लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये भी एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, कौन सी ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे फोर पोजीशन पे मिथाइल, दो मिथाइल प्रेजेंट है, इसका हम नंबर, इसका हम कैसे नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए, अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं, सेवन जो आपको दिख रहा होगा, जहाँ सेवन से हम इधर इसको हम वन देते हैं, तो यहाँ पे फोर पोजीशन पे जाएगा, मतलब कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है पास में नहीं आ रहा है, दूर जा रहा है इधर से, मतलब थ्री पे हमें इथाइल मिल गया, तो हम नंबरिंग करेंगे इधर से, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा बहुत, तब आपको क्लियर हो जाएगा, और आज ही करिएगा, आजकल करिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग इसका कैसे करेंगे, इस साइड से करेंगे, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट है वो पास में पड़ रहा है, थ्री पोजीशन पे हमें इथाइल मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर इस साइड से हम नंबरिंग करें तो यहाँ पे हमें फोर पे मिल रहा है, फोर पे हमें डाई मिथाइल मिल रहा है, लेकिन इधर से हमें थ्री पे ही मिल गया, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। हेलो अंकित, हाँ मैम, यस सर, हाँ समझ में नहीं, कहाँ पे पास नियर नहीं आ रहा है, नियरेस्ट लोकल, हाँ नियरेस्ट लोकल ग्रुप देखते हैं कि नियरेस्ट में क्या कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग देखिए, जैसे आपने पूछा ना कि मतलब चार प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे, तो उसमें तो टेट्रा यूज करेंगे, लेकिन मान लो ग्रुप ही डिफरेंट प्रेजेंट हो, यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट प्रेजेंट हो, एक यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और एक यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिथाइल भी है, यहाँ पे मिथाइल है, फोर फोर पे, तो इसकी हम कैसे आईपीएसी में हम कैसे लिखेंगे, तो हमने आपको पहले बताया था कि अगर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो, डिफरेंट ग्रुप, हमने आपको पहले ऊपर में बताया था कि अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था ना, यहाँ पे बताया था कि हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ही ये भी आ गया, तो इसमें भी यही रूल रहेगा, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे कि सब, हाँ तो देखिए यहाँ पे थ्री पे इथाइल मिल गया और फोर पे मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल, सबसे पहले हम थ्री इथाइल, मतलब अल्फाबेटिकल हम पहले आता है, हाँ, तो थ्री इथाइल, उसके बाद फोर पे दो मिथाइल है, तो फोर 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 लिखेंगे, दो है तो डाई मिथाइल, कितने कार्बन का है, सेवन कार्बन का है, तो हेप्टेन, सैचुरेशन है, मतलब कोई भी इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एन होगा, समझ में आया। अब मैं यही आपसे पूछूं कि इसमें आप रूट वर्ड बताइए, इसमें रूट वर्ड बताइए, बता पाओगे? हेप्टेन नहीं, एन तो आपका सफिक्स हो जाएगा, चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अगर मान लीजिए कि हाँ जी बोलिए मैम, ये वाला से पहले वाला आप बता रही थी, लास्ट वाला कौन सा? मिथाइल, मिथाइल वाला। आप कब आई हैं क्लास में, कब ज्वाइन की हैं? मैम स्टार्टिंग से, जब से स्टार्ट हुई। अच्छा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, चलिए मैं बता देती हूँ, आप ध्यान से देखें ठीक है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक, जैसे देखिए यहाँ से नंबरिंग की पहले बात कर लें, तो इस साइड से हम नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, 1 2 3 इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, इधर से हम क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब 7 जहाँ पे 7 है इधर, हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं नंबरिंग, लेकिन यहाँ से हम नहीं करके हम इधर से कर रहे हैं ठीक है। इधर से हम क्यों कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नियरेस्ट मतलब सबसे पास में कौन सा सब्स्टिट्यूट मुझे मिल रहा है, हम ये देखेंगे कौन सी ग्रुप हमें मिल रही है। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 3 पे मुझे ये इथाइल ग्रुप मिल गया ना। यस मैम। क्या नाम है आपका, आपने जो क्वेश्चन पूछा था? सॉरी ओके ओके, तो आप यहाँ पे देखिए कि 3 पे आपको यहाँ पे इथाइल मिल गया ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 7 की जगह पे मान लीजिए हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हमें 4 पे मतलब 4th पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, मतलब ग्रुप मिल रहा है। लेकिन इधर से करें तो इधर से हमें 3 पे ही मिल जा रहा है। तो हमें माइंड में ये रखना है कि जो सबसे पास में हमें ग्रुप मिल रहा है, कौन सा ग्रुप, मतलब जो भी ग्रुप हमें पास में मिल रहा है उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जिस भी एंड से इस एंड से चाहे इस एंड से, जो भी एंड से हम स्टार्ट करें और जिधर से हमें ग्रुप पास में, कोई भी ग्रुप को पास में मिल जाए तो हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं ठीक है। समझ में आ गया आपको? हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे नंबरिंग का तो समझ में आ गया, अब हमें ये देखना है कि इथाइल ग्रुप है यहाँ पे दो मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो इसको हम कैसे लिखें। तो इथाइल यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल में हमें कंफ्यूजन है कि कैसे इसको लिखें। तो हमें यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, मतलब कि ABCD वाला जो है कि सबसे पहले कौन आ रहा है ठीक है। तो इथाइल में ई आता है ठीक है, और मिथाइल में एम आता है, समझ पा रहे हो? इथाइल में जो ई आता है वो ई अल्फाबेटिकल, अगर आप ABCD पढ़ोगे तो उसमें ई पहले पहले आएगा, ई जो है पहले आएगा, एम जो है वो बाद में आएगा ठीक है। तो इसलिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करते हैं और यहाँ पे इथाइल हम इसलिए सबसे पहले लिखे हैं, उसके बाद हम मिथाइल लिखते हैं। आया समझ में? पक्का आ गया? चलिए आप इस पे क्वेश्चन करना और पढ़ना भी आज, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हो ठीक है। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अभी जस्ट आप नए नए अगर पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा। चलिए अब देखते हैं कि जो अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्रेजेंट हो या नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो ठीक है, ऐसे जो ग्रुप प्रेजेंट हो यहाँ पे, तो उसमें हम कैसे मतलब उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे हम नंबरिंग करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेंगे, मतलब इसको हम जैसे क्लोरीन है ब्रोमीन है इसको हम फंक्शनल ग्रुप के उस पे नहीं लेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप हमने आपको बताया था अंकित जी मैम, हमने जो आपको सफिक्स सेकंड में फंक्शनल ग्रुप बताया था ना, जैसे COH ग्रुप बताया था हाँ, जी। तो हमें आपको पता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसमें हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले उसको देते हैं ठीक है जी। मतलब प्रायोरिटी हमें नंबरिंग करना होगा तो उधर से करेंगे, लिखेंगे उसके बाद में नंबरिंग हम उधर से करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर क्लोरीन ब्रोमीन जैसे ये वाला जो ग्रुप प्रेजेंट हो, ये लिखा है जो ये प्रेजेंट हो, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट की तरह लेंगे, ना कि हम फंक्शनल ग्रुप की तरह लेंगे ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट की तरह लेंगे तो फिर क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे एग्जांपल के उस पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोपेन है ठीक है, 3 कार्बन का यहाँ पे चेन है, इधर ब्रोमीन प्रेजेंट है, इधर क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम फंक्शनल एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे इसको, तो यहाँ पे हम अल्फाबेटिकल यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, समझ में आया। अगर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप नहीं ट्रीट करेंगे, उसको भी हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम ट्रीट करेंगे और वहां पे भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे ठीक है मैम जी। मैम एक क्वेश्चन है, बोलिए मैम, अगर ये ब्रोमो है जो इस साइड लगाकर क्लोरो की जगह लगेगा तो इसकी जो
मतलब लॉन्ग चेन होगी जो इस तरफ से बनेगी? नहीं देखिए, अगर हम ब्रोमीन क्लोरीन इस पे हम लॉन्ग चेन की, तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि थ्री कार्बन, यहाँ पे कार्बन को ही नंबरिंग करते हैं जो नहीं। अगर COS ग्रुप होता ना वहाँ पे फिर हम देखते, अच्छा। लेकिन क्योंकि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था, इसको हम सब्स्टिट्यूट की तरह ले रहे हैं। ब्रोमीन और क्लोरीन जो है, या ये नाइट्रो ग्रुप है, ये सब जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट की तरह आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मतलब हाँ बोलिए मैम, इसमें तो मतलब अपन लोग किसी भी तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं ना, या तो ब्रोमो की तरफ से कर सकते हैं, क्लोरीन की तरफ से भी कर सकते हैं। नहीं, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। यहाँ पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है ना। अगर क्लोरीन होता इधर भी क्लोरीन होता, ओके मैम, ठीक है, या फिर ब्रोमीन होता है इधर भी ब्रोमीन होता, तो हम वैसे कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है। तो यहाँ पे और लोग भी समझिए अच्छे से, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 यहाँ से, तो ब्रोमीन जो है वो बी पहले आता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, उसके बाद क्लोरीन में सी है, तो सी बाद में आता है ना। तो हम इधर से इसकी नंबरिंग करेंगे क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 इधर का नंबरिंग करेक्ट है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं क्लोरीन से, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके मैम। अब इसी टाइप से यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ये सेकंड वाला, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है। तो अगर हम इसमें भी हम अल्फाबेटिकल, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, तो ये हमने ग्रुप पढ़ा था कि यहाँ पे ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वहां पे भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो क्लोरीन मान लो प्रेजेंट है, इधर पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे, आप बताइए नंबरिंग कैसे करेंगे? क्लोरीन की तरफ से, क्लोरीन की तरफ से, क्योंकि अल्फाबेटिक से पहले, क्योंकि पहले आ रहा है मैम, नाइट्रोजन बाद में आ रहा, नाइट्रो बाद में आएगा। हाँ, एन जो है वो बाद में आता है, सी पहले आता है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए, अगर इधर से हम करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट ये होगा, इस साइड से करेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसको क्लोरीन को सीएल, सीएल को क्लोरीन लिखेंगे, बीआर को ब्रोमो लिखेंगे, मैम एआर को क्या लिखेंगे? AR हेलोजन, उसमें सारे ग्रुप आ जाते हैं। जैसे AR एक मतलब आपको, जैसे एल्केन हो गया, एल्केन के अंदर में आपको सब कुछ आ गया, मीथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, उसी टाइप से जो AR ग्रुप होता है ना, उसमें हैलाइड ग्रुप को शो करता है, मतलब AR जो होता है वो हैलाइड ग्रुप को, उसमें कुछ भी आ सकता है, वो कोई स्पेस। तो मैम उसकी नंबरिंग कैसे होगी फिर? AR नहीं प्रेजेंट होता है ना, AR में तो जैसे आप कहीं रिएक्शन में आपने देखा होगा, AR का मतलब होता है कि वो जनरल हो गया, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि AR मतलब, AR आर्गन, आप वो वाला आर्गन की बात कर रहे हैं, अगर वैसे वाला कर रहे हो तो आर्गन हो गया, बट जो AR होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, दिखाती हूँ, कैप्टन वर्ड में AR होता है। हाँ, तो वो जो होता है वो हैलाइड को शो करता है, मतलब उसने फ्लोरिन क्लोरिन जो भी आपको हेलो ग्रुप है उसको शो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैम आवाज चली गई थी। हेलो हेलो मैम, उनकी आवाज चली गई। मैम आवाज चली गई थी, साउंड चला गया था, मुझे समझ में कुछ सुनाई नहीं दिया फर्स्ट टाइम, एक बार रिपीट करेंगे? कौन सा? वही AR वाला। कौन, रवि आप बोल रहे हैं? रवि बोल रहे हैं? यस मैम। ठीक है, यस मैम, ठीक है, ठीक है। AR जैसे आप मतलब एल्केन, जैसे आपने देखा होगा कि AR आपने देखा, एक तो आर्गन होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, एक जो AR होता है वो एक ग्रुप को शो करता है, कोई स्पेसिफिक जैसे क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे कोई वो शो नहीं करता, वो एक ग्रुप को शो करता है। जैसे हम आपको ले लें कि मतलब एल्केन हो गया, एल्केन हो गया, तो एल्केन एक ग्रुप को शो कर रहा है जिसमें कि सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे एल्केन हो गया, तो एल्केन में मतलब मीथेन भी आ गया, प्रोपेन भी आ गया, ब्यूटेन भी आ गया, तो एल्केन एक ग्रुप को शो कर रहा है। उसी टाइप से जो AR होता है वो एक ग्रुप को शो करता है, उसमें पूरे हैलाइड्स ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। ओके मैम, गॉट इट। If alphabetical order is to be followed for group like isopropyl and neopentyl, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था isopropyl and neopentyl, जैसे कि दो कार्बन, अगर यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ CH है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, ठीक है,
अब इससे दो कार्बन जुड़े हैं तो इसको हम आइसो बोलते हैं। अगर यहाँ पे तीन कार्बन जुड़े हैं मतलब एच के जगह पे एक और सी एच थ्री जुड़ जाता तो उसको हम नियो बोलते हैं। आइसो नियो पता है ना? जी जी मैम। यस मैम। तो अगर आइसो नियो की अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आइसो या नियो कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां पे हम इसको मतलब इसको भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही लिखेंगे, ना कि हम टर्सरी या सेकेंडरी लिखेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम सेकेंडरी, इसको हम देख सकते हैं तो सेकेंडरी भी है, ठीक है यहाँ पे दो, लेकिन हम इसको सेकेंडरी की तरह ना ट्रीट करके हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से फॉलो करेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए, ये एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी ना मतलब सेकेंडरी जो होते हैं, जैसे प्रीफिक्स हमने क्या बोला था आपको कि जो प्रीफिक्स होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, बोला था ना? तो प्रीफिक्स में जैसे डाई हो गया, ट्राई हो गया, ये सब भी एक प्रीफिक्स में ही आते हैं। डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, मतलब अगर वैसे देखना है मतलब तो उसमें भी ये प्रीफिक्स में ही आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टर्सरी या सेकेंडरी ना यूज करके यहाँ पे भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे आइसो है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे ना कि हम सेकेंडरी यूज करेंगे कि सेकेंडरी मतलब कार्बन का, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भी आइसो करेंगे, यहाँ पे मिथाइल, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें भी फॉलो होगा। अब इसकी नंबरिंग देख लो, अगर इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन दोनों साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेम आ रहा है, बट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अल्फाबेटिकली, हाँ, तो इसमें आइसो ग्रुप पहले आएगा, हाँ, एम बाद में आएगा, ठीक है, इसको समझ में आ गया। अब देखते हैं, टाइम हो गया क्या? 11:05 हो रहा है, चलिए थोड़ा और पढ़ लीजिए उसके बाद। लोवेस्ट सम रूल, ठीक है, लोवेस्ट सम रूल क्या होता है इसको हम समझेंगे। लोवेस्ट सम रूल, अब जैसे मान लीजिए कि अगर टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, दो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है जो कि इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं, मतलब कि इधर से भी काउंट करें इस एंड से तो भी वो सेम, दो मान लो यहाँ एग्जाम्पल ही लेते हैं, अगर इधर से हम काउंट करें तो यहाँ पे भी दो पे आ रहा है ये मिथाइल ग्रुप, मतलब आइडेंटिकल ग्रुप भी लगे हैं और आइडेंटिकल पोजीशन पे भी हैं। अगर यहाँ से हम इस साइड से करें तो इस साइड से कर रहे हैं तो भी ये दो पे आ रहा है, ये ब्लू वाला देख सकते हैं, इस साइड से नंबरिंग किया है तो यहाँ पे भी दो दो पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। और अगर तो इसमें और आगे बढ़ जाते थोड़ा, मतलब नहीं, और नहीं, आगे देखते कि मतलब और कौन पास में आएगा, किस तरफ से पास में है? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं पूरी बात नहीं बोली हूँ, आप बोलने दीजिए पहले। देखिए, अगर टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं एट इक्विवेलेंट पोजीशन पे, मतलब कि दो इधर से भी, दो इधर से भी, और उसमें थर्ड सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे। तो इसकी नंबरिंग जो होता है तो हम सबसे पहले यहाँ से ऐसे या ऐसे हम दोनों तरफ से देख लें कि किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इधर से हम ब्लैक वाले को ले लें तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस पे टू पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसका पोजीशन नेम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद थ्री पे प्रेजेंट है, थ्री, उसके बाद फाइव पे प्रेजेंट है, मतलब कि तीनों को हम सम कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ से ब्लैक वाले की तरफ से अगर हम करें नंबरिंग तो दो पे आ रहा है, थ्री पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट और फाइव पे आ रहा है, ठीक है। अगर ये तीनों मतलब देखिए आइडेंटिकल पोजीशन पे होना चाहिए, इसका कंडीशन है, ना कि हम ऐसे कोई भी उठा के कर लेंगे, आपको माइंड में ये रखना है कि आइडेंटिकल पोजीशन पे होना चाहिए वो ग्रुप, आइडेंटिकल पोजीशन पे हो और आइडेंटिकल ग्रुप भी होना चाहिए, ना कि यहाँ पे इथाइल हो यहाँ पे मिथाइल हो, ऐसे नहीं, क्योंकि अगर वैसे होगा तो फिर तो अल्फाबेटिकल हम फॉलो कर सकते हैं, बट हमें देखना है कि ग्रुप भी सेम हो और ये भी पोजीशन भी सेम हो और थर्ड ग्रुप भी प्रेजेंट हो उसके बीच में, तब ये रूल फॉलो होता है। तो उसमें क्या करेंगे कि उसका पोजीशन लिख लेते हैं हम लोग, पोजीशन इस साइड से भी लिख लेंगे, तो यहाँ पे टू, टू पे है, फिर थ्री पे है, फिर फाइव पे है, इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे टेन आएगा, ठीक है। अब इधर से देखते हैं, इधर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस पे भी टू पे है लेकिन यहाँ पे फोर पे आ रहा है और ये फाइव पे आ रहा है, ठीक है, टू फोर फाइव, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे इलेवन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोवेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, जब सम कर रहे हैं इस पोजीशन का हम सम कर रहे हैं तो लोवेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे ये देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे। तो लोवेस्ट नंबर ये हमारा टेन आ रहा है इस साइड से जोड़े हैं तो, ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि टेन इधर से हम इस साइड से हम जब किए हैं तो यहाँ से हमने देखा है कि टेन आया है जो कि लो है,
11 ज्यादा है, 10 जो है वो कम है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। समझ में आया? जी। इसको आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर बहुत इधर उधर पूरा मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको आज नोट्स भेज दूंगी, आप इसको पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना और उसको समझना, तो आपको क्लियर फिर हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं ये? मैम इसका मैं IUPAC नाम बताने की कोशिश करूँ क्या? जी मैं इसका IUPAC नाम बताऊँ? हाँ बताइए। क्या होगा? 2.2.2.5 ट्राई नहीं नहीं 2.2.3 ना? हाँ 2.3.5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन क्लास के बाद आप एक मतलब वो नोट्स तो बना के देंगी, वो तो ठीक है, बट मैम एक प्रैक्टिस के लिए ये चार्ट जोड़ दे दीजिएगा, मतलब कि हम लोग उस पे मैं आप लोग को मैं जैसे यूनिट खत्म होगा ठीक है तो मैं आप लोग का टेस्ट लूंगी, तो आप लोग प्रिपेयर रखना, आप लोग रोज रोज पढ़ना। मैं एक दिन संडे हो गया या फिर कभी सैटरडे को मान लो 2-1.5 घंटे का मैं टेस्ट रख दूंगी, एक यूनिट कंप्लीट होगा तो उसमें मैं आपको MCQ दूंगी, तो आप लोग इसमें मैं दूंगी, तो और बाकी ऐसे प्रैक्टिस के लिए मैं बुक भी बता दूंगी आप लोग को, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे ये है, जैसे मान लीजिए कि ये रूल जो होता है ये फॉलो यहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे कि आपको मतलब एक मिनट नंबरिंग लेफ्ट राइट जैसे यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब सेम ग्रुप प्रेजेंट है, इधर से भी आ रहे हैं सेकंड पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे जो आ रहे हैं थर्ड पोजीशन पे ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे बीच में आपने मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मान लो कि आपने बोला कि ये सेम ग्रुप प्रेजेंट है, सेम ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे देखा मतलब तीनों सेम ग्रुप प्रेजेंट है, चार भी यहाँ पे बीच में भी ये भी ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब बस बीच के लिए है आप देखें तो यहाँ पे भी आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे लोवेस्ट वाला ले लेंगे क्योंकि इधर से हम जाएंगे तो 3 पे आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 2 पे आ रहा है, हमें सब्स्टिट्यूट इधर से 2 पे मिल जा रहा है, इधर से 3 पे मिल जा रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे हम कोई जबकि हम सम करेंगे इसका, तो यहाँ पे अगर इस साइड से हम सम करते हैं इसको तो यहाँ पे 19 आएगा, और अगर इधर से हम करते हैं तो 17 आएगा, तो हमें इधर से लेना चाहिए अगर हम सम वाला देखे तो, लेकिन हम इधर से ना लेके हम इधर से ले रहे हैं क्योंकि हमें पास वाला देखेंगे। अब यहाँ पे हमें बीच से कोई मतलब नहीं है, आपको ये माइंड में रखना है। अगर आइडेंटिकल पोजीशन पे हो जाए, आइडेंटिकल पोजीशन पे सेम ग्रुप हो जाए और बीच में आए एक और ग्रुप वैसा ही, तब हमें ये रूल फॉलो करनी है सम वाला, वरना फिर इसको हम लोवेस्ट नियरेस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि सबसे पास में सबसे नियरेस्ट में नियरेस्ट में मतलब कितने नियरेस्ट में ग्रुप जो है वो लोकेटेड है, मतलब 2 पे है, 3 पे है ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आप लोग अब हम एल्कीन एल्काइन का कल पढ़ेंगे, एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं, बस ये 3-4 है। अब जैसे इसका हमें नंबरिंग करनी है, बताइए इसका इसकी जो नंबरिंग है वो यहाँ से हम इधर साइड से क्यों नहीं किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इधर से हम क्यों नहीं किए हैं? जी मैम मैंने बताया ना कि मतलब मिथाइल जो है वो 2 के पास है ठीक है, और इसमें जाके 3 से एथाइल मिल रहा है इसमें। नहीं नहीं हम मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम 1, 2, 3, 4, 5 इधर से हम नंबरिंग क्यों की, हम इधर से क्यों नहीं, यहाँ पे भी तो 5 का बना रहे हैं हम, अगर यहाँ से करें क्योंकि मैम जो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 वो नंबर 2 पे मिल रहा है अपन लोगों को, और इस साइड से गिनने पर अपन लोगों को नंबर 3 पे मिल रहा है। नहीं नंबर 2 से मतलब नहीं है, हमने क्या बोला, हमने कुछ आपसे जो बोला आप समझे नहीं, हमने ये तो ठीक है 3 तक तो यही सेम रहेगा, हमने ये नहीं पूछा कि हमने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया,
आपका जो आप जो आंसर दे रहे हो ना, आप इसका आंसर दे रहे हो कि हमने अगर हम ये पूछते कि हम इधर से नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो नियरेस्ट में आ रहा है। हमने ये पूछा कि 1 2 3 के बाद हम सीधे इधर 4 5 क्यों कर दिए, हम इधर 4 5 क्यों नहीं किए, यहाँ पे भी तो सेम आ रहा है कार्बन चेन। अच्छा मैम, क्योंकि इस साइड से मतलब एक और ग्रुप, एक और ऐड हो रहा है इसमें CH3 मैम। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है ना वहाँ पे 3 मिल रहे हैं, अगर हम इस साइड से कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 2 पे मिल रहा है, 3 पे इथाइल ग्रुप मिल रहा है और यहाँ पे 4 पे भी मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, मतलब कि 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ से इस साइड से करते हैं, यहाँ पे 4 5 कर दें, 3 के बाद इस साइड 4 यहाँ 5 कर दें, तो ये एक ग्रुप मिल रहा है और ये एक ग्रुप मिल रहा है, तो मतलब हमें दो ही ग्रुप मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे किया ऐसे। अब इसका नेमिंग बता दीजिए, जो नेम होगा वो क्या होगा, 3 पे हमारा क्या है, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल है, तो बताइए 3 इथाइल और 2, दो बार मिथाइल मिल रहा है अपन लोगों को, तो 2 और मिथाइल 2 है तो डाई। तो हमने हम पहले हम 2 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। ठीक है मैम, सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये तो 3 में 3 इथाइल तो हो गया, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब जो मिथाइल है वो एक 2 पे मिल रहा है, एक 4 पे मिल रहा है। ठीक है, तो 2 और दो बार मिथाइल मिल रहा है तो डाई, और एक 2 पे मिल रहा है, एक 4 पे मिल रहा है, तो 4 मिथाइल और 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है आप सही बता रहे हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि हम इथाइल को इधर भी तो लिख सकते हैं, हम डाइमिथाइल पहले लिख सकते हैं। उनके तो हम लोग देखते हैं कल, फिर हम लोग एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसका, क्योंकि इसका जो हम आपको भेज देंगे शाम तक, हम आपको भेज देंगे शाम क्या मतलब 2-3 बजे तक आपको भेज देंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन भी लगाइएगा ढूंढ के, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले आप लगाइएगा। बाकी मैं एक बार चेक करूंगी, कोई बुक बुक अगर होगा तो मैं आप लोग को भेजती हूँ, या कोई लिंक वगैरह होगा तो मैं भेज दूंगी आपको। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू मैम। बेटा आप लोग दूसरी क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है, पैथो फिजियोलॉजी की क्लास ज्वाइन कर लो।